नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग जो है मौलिक अधिकार के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। और पीटी के इस विशेष कक्षा कार्यक्रम में हम लोग मौलिक अधिकार के दूसरे और अंतिम भाग को आज यहां पर कवर करने का प्रयास करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 का अध्ययन किया हुआ था, और उसी के आगे हम आज के इस डेट में जो है लेक्चर पर कंटिन्यू आगे करेंगे। तो 19 से लेकर के 22 के बीच में जो है हम लोगों ने देखा कि स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। 19 पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था, तो 20 पर हम लोग चर्चा करेंगे। 20 में क्या कहा गया है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं करार दिया जाएगा जब तक कि वो अपराध के समय में प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। सीधी सी बात यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी नियम का उल्लंघन करता है तभी उसको दंड दिया जाएगा। ये नहीं है कि 5 साल बाद कोई कानून बना दिया जाए और 5 साल पहले उस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को आज की डेट में दंडित कर दिया जाए, ऐसा नहीं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए तभी दंडित किया जाएगा जबकि वह प्रचलन में जो है किसी कानून का उल्लंघन करता हो। ये बात आर्टिकल इसी में 1 में कहा गया है। 2 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। 20 का पार्ट 2 है तो इसमें 2 बार की बात आई है, तो थोड़ा सा याद करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि 20 के 2 में कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, ये 2 में कहा गया है। तो ये बातें आप लोगों को जो स्पष्ट हुई होंगी कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। और 3 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध जो है वो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे स्पष्ट रूप से पुलिस व्यवस्था के लिए भी जो है ये संदेश दिया गया है, क्योंकि कई बार ये बातें सामने आती हैं कि धमका कर दबाव में टॉर्चर करके किसी व्यक्ति को हाँ करवा दिया जाता है कि ये अपराध हमने किया हुआ है, तो इस तरीके की पूरी तरीके से मनाही की गई है। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में कहा गया है। 21 में आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर के बाकी अन्य तरीके से जो है व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से व्यक्ति को किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, केवल उन्हीं जिनके लिए जो है विधि द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं विद्यमान है उनको छोड़ करके नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर यह देखा था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के संदर्भ में, जैसे कि गोपालन बनाम भारत संघ 1950 ईस्वी में कोर्ट ने कहा था कि यह कार्यकारी मामलों में छूट है, लेकिन विधि द्वारा ऐसा कोई किया जा सकता है। लेकिन 1978 ईस्वी में मेनका गांधी मामले में 1978 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राइवेसी इत्यादि के लिए जो है निर्णय सुनाया था कि अब जो है ना केवल कार्यपालिका, कार्यकारी का मतलब सरकार से है और विधि का मतलब होता है, विधायिका का मतलब संसद के द्वारा बनाए जाने वाले कानून, अब इन दोनों ही प्रकार के अंगों पर प्रतिबंध है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को वो सीमित नहीं कर सकता जो कि व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक रूप से जीवित रहने के लिए आवश्यक है। प्राण का मतलब मान सम्मान गरिमा के साथ जो है जीवन यापन की संभावनाएं। तो इस आधारों पर कहा गया है कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यह बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बताया गया है। और इसी में बाद में सरकार कोर्ट ने यह भी घोषणा किया कि ऐसे जो है परिस्थितियां या ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को मान सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनका कि आर्टिकल में उल्लेख नहीं किया गया है 19 के अंतर्गत जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वह सभी अधिकार इसमें निहित माने जाएंगे आर्टिकल 21 में। इसीलिए जो है उसने शिक्षा के अधिकार को, स्वच्छ वायु के अधिकार को, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को, व्यक्तिगत जीवन यानी कि प्राइवेसी के अधिकार को मौलिक अधिकार रूप में माना है। यद्यपि सरकार ने इसे शामिल नहीं किया है, और आपको ध्यान में रखना होगा कि 21 का के अंतर्गत शिक्षा को उसने शामिल भी कर लिया है 86 में संविधान, अभी हम उसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि वो मौलिक अधिकार तो नहीं हो गए, लेकिन वो मौलिक अधिकार के समान कोर्ट के द्वारा दर्जा दिया गया है। दोनों में अंतर करना बहुत जरूरी है कि मौलिक अधिकार होना, मौलिक अधिकार तभी होगा जब कि संसद के द्वारा उसमें संशोधन करके उसे मौलिक अधिकार के भाग 3 में सम्मिलित कर लिया जाएगा किसी आर्टिकल में, लेकिन तब तक भी वो जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार के समान ही उसको मान लिया गया है। तो ये बातें शायद 21 के अंतर्गत आपको समझ में आई होंगी कि प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता की बात जो है करता है और इसी से आर्टिकल रिलेटेड है मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला जो कि 1978 ईस्वी में वर्डिक्ट सुनाता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 22 पर, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध, गिरफ्तारी का मतलब पुलिस बल के द्वारा किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेना और निरोध का मतलब उसे कैद करना किसी भी स्थान पे, निरुद्ध से निरोध बना हुआ है। तो ये व्यवस्थाएं हैं और इसके संदर्भ में व्यक्ति को संरक्षण दिया गया, ध्यान रखिए संरक्षण। अब इसको समझने के लिए पूरी बात को निरोध के प्रकार को समझना होगा। एक होता दांडिक, दांडिक निरोध और एक होता है निवारक। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये लिखावट, थोड़ा सा तिरछा है। तो दांडिक निरोध और ये निवारक निरोध है। दांडिक निरोध का तात्पर्य है कि इसमें व्यक्ति को गिरफ्तारी तो किया जाता है, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन निरोध इत्यादि के संदर्भ में व्यवस्था की गई है कि जब इनकी सुनवाई के बाद इन पर अपराध सिद्ध हो जाएगा तब इनको जो है निरुद्ध किया जाएगा। लेकिन निवारक निरोध का मतलब यह है, निवारक का मतलब है किसी समस्या से रोकने के लिए, यानी कि अपराध होने के पूर्व ही जो है, अपराध सिद्ध होने के पूर्व या होने के पूर्व ही व्यक्ति को जो है गिरफ्तारी कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको निरुद्ध कर दिया जाता है, तो वो निवारक निरोध कहा जाता है। और जब अपराध जो है होने के बाद जो है अपराध सिद्ध हो जाता है तब व्यक्ति को जो है निरुद्ध किया जाता है, तो दांडिक जो होता है, यानी कि कोई व्यक्ति अपराध कर दिया हो, मारपीट कर लिया हो किसी के साथ में, तब उसे अगर गिरफ्तार करके निरोध किया जाएगा तो दांडिक निरोध कहलाएगा। लेकिन यह मामला सामने आ गया कि कहीं पर जो है कोई षड्यंत्र होने वाला है देश के विरुद्ध, पार्लियामेंट के संदर्भ में या किसी महत्वपूर्ण मंदिर के संदर्भ में, मस्जिद पर कोई आक्रमण होने वाला है, तो वहां पर उस षड्यंत्र को रोकने के लिए जो उस संबंधित व्यक्ति को या आशंका में रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके निरुद्ध किया जाएगा वो क्या होगा, निवारक निरोध कहलाता है। ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर जो भी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात कही गई है वो किसके बारे में है, दांडिक प्रकार के जो है निरोध के बारे में जो है कहा गया है, दांडिक निरोध के बारे में कहा गया है। अब इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये इसी के पार्ट 1 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसी के पार्ट 2 में कहा गया है कि इसे 24 घंटे के अंदर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, यद्यपि उसमें उस समय को घटा दिया जाएगा जो कि गिरफ्तार होने से कोर्ट में प्रस्तुत करने के बीच में समय खर्च होता है, यानी कि वो 24 घंटे से उतना ज्यादा भी हो जाएगा तो भी वो 24 घंटा ही माना जाएगा और ये माना जाएगा उसे ले जाने में कुछ समय लग गया है, यानी कि 24 घंटे में, और उसे अपने रुचि के विधि परामर्शदाता से जो है परामर्श करने पर भी रोक नहीं लगाया जाएगा। मतलब कि कोई वकील की बात यहाँ पर कही गई है, वकील आएगा, कोई मतलब एडवोकेट आएगा और वो जो है उससे परामर्श देगा कि क्या मामला है, क्या इसके जो है तकनीकी नीतिगत पक्ष और पहलू है। हम ये चीज फिल्मों में अक्सर देखते हैं, फिल्मों में जो है अक्सर ये चीज को दिखाया जाता है, यद्यपि पुलिस विभाग में व्यवहारिक स्तर पर ये चीज देखने को नहीं मिलता है क्योंकि बाद में इस तरीके की जो सुविधाएं बाद में लोगों को मिलती है, लेकिन फिल्मों में ये चीज दिखाया जाता है जब किसी भी थाने में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा जाता है तो वहां पर आप लोग देखते होंगे कि इनका वकील आया हुआ है जो है इन्हें इनसे बात करना है, तो वहां पर जो है पुलिस को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्थाएं कहां दी गई हैं, आर्टिकल 22 के खंड 2 में ये व्यवस्थाएं दी गई हैं और 3 में कहा गया है
कि निवारक निरोध, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये जो सुविधाएं हैं वो निवारक निरोध और शत्रु देश के निवासियों पर लागू नहीं होगा। क्यों भैया, शत्रु देश के निवासियों को हम क्यों करेंगे? हम अपने देश के निवासियों के लिए ऐसा करेंगे? शत्रु देश के लोग तो आकर के आक्रमण भी कर सकते हैं, इसलिए हम उन लोगों को ऐसी कोई सुविधा नहीं देने वाले हैं। तो इसी तरीके से आर्टिकल 3 में इन दोनों लोगों के लिए यह प्रतिबंध लगा है, या ये कहा जाए कि ऐसी छूट नहीं दी गई है। लेकिन इसी में 4 में कहा गया है कि यदि निवारक निरोध के अंतर्गत भी जो है किसी को बंद किया जाता है तो 3 महीने से ज्यादा बंद नहीं किया जा सकता है, 3 महीने तक ही बंद किया जाएगा। अगर उससे ज्यादा बंद करना है तो उसके लिए बने हुए बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत रिपोर्ट पर किया जा सकता है, और उस बोर्ड में कम से कम हाई कोर्ट की योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही हो और उनके द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर ही उसे रखा जा सकता है। और इसी में 5 में कहा गया है कि ऐसी सूचना से उस व्यक्ति को अवगत कराना होगा जिसे बंद किया गया है कि भैया आपको ऐसे और इन आधारों पर बंद किया गया है, आप देश के लिए सभ्यता संस्कृति राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए घातक हो, इसलिए आपको यहाँ पे रखा गया है। और इसी में जो है अगला, यानी कि 6 में संसद को इसके बारे में कानून बनाने के लिए अधिकार दिए गए हैं। तो दिस मीन कि आर्टिकल 22 जो है बहुत ही व्यापक है, गिरफ्तारी और निरोध के संदर्भ में व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है, और ये संरक्षण जो है वो दांडिक जो है निरोध के संदर्भ में है, निवारक निरोध के संदर्भ में नहीं दिया गया, जो कि आपको जानकारी हुई होगी। तो ये भी व्यवस्था थी 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के। अभी हम 23 और 24 में क्या पढ़ेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में क्या कहा गया है? 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं इसी प्रकार से लिया गया अन्य ब्लात श्रम को निषिद्ध घोषित किया जाता है। मानव का दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ब्लात श्रम, ब्लात श्रम का मतलब जबरदस्ती कोई काम किया जाना, बेगार, बेगार का क्या अर्थ है? बिना पारिश्रमिक से किसी से काम करवाना, मतलब जैसे क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति को पहले जमाने में होता था कि उनके घर में आकर के रह रहे हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं, उसके बदले उनको कोई रुपया नहीं मिल रहा, कि जीवन यापन के लिए कुछ पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बेगार, बेगार कहलाएगा। तो 3 प्रकार की स्थितियां हैं इसमें, मानव दुर्व्यापार, बेगार और ब्लात श्रम को निषिद्ध घोषित किया जाता है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि सरकार सामाजिक हित में जो है किसी प्रकार की अनिवार्य सेवा को लागू कर सकता है, जैसे सैन्य सेवा अगर जरूरत पड़ी तो, और दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सैन्य सेवा करना ही करना है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात हो गया, या इसी तरीके से अन्य कई देश हैं जहां पे करना ही, वहां पे जनसंख्या ही कम है, तो वहां पे सभी लोगों को सैन्य ट्रेनिंग लेना होता है कि अगर देश के समक्ष कोई भी जो है समस्या आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाता है, तो सबको मोर्चे के रूप में खड़ा होना होगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज क्या आपके सामने निकल के आया कि जो है इस प्रकार के कोई भी कार्य जो है मानव दुर्व्यापार, बेगार और श्रम, बड़ा श्रम को निषिद्ध किया जाता है, लेकिन राज्य ऐसा कर सकता है। अब इसके बारे में देखना होगा, कई प्रकार के कानून भी बनाए गए हैं। न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 में जो है लागू किया गया न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, और 1956 ईस्वी में मानव दुर्व्यापार अधिनियम, मानव दुर्व्यापार व्यवहार निवारण अधिनियम लागू किया गया है। 1970 ईस्वी में ठेका श्रमिक अधिनियम लागू किया गया है। 1976 ईस्वी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि बधुआ मजदूरी उन्मुक्त अधिनियम, जिसे यहाँ ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और इसमें बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, तो स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि बधुआ मजदूरी उन्मुक्त अधिनियम 1976 है, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 75 में। अब यहाँ पर ये चीजें जो है समझना आवश्यक है कि भैया 75 में अधिनियम आया तो लागू 77 में होना चाहिए, 75 में कैसे हो गया? तो वो जो है पूर्व की तिथि से लागू किया गया है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब भूतलक्षी प्रभाव, यानी कि पूर्व की किसी तिथि में जा करके उसको लागू करना कहलाता है भूतलक्षी
प्रभाव जो कि आर्टिकल 1975 में बधुआ मजदूरी उन्मुक्त अधिनियम 1976 को लागू करता है और 1976 ईस्वी में ही समान पारिश्रमिक अधिनियम को भी लागू किया गया है। तो न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम और मानव दुर्व्यापार व्यवहार अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम, बधुआ मजदूरी उन्मुक्त अधिनियम और ये समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये सभी अधिनियम जो है इन अनुच्छेद 23 के उल्लंघन से बचने के लिए इस व्यवस्था को बनाया गया है। यद्यपि ये मौलिक अधिकार का सीधे पार्ट तो नहीं है लेकिन इसके क्रियान्वयन के पक्ष से जुड़ा हुआ है और आपको न केवल संविधान राज व्यवस्था बल्कि ये अर्थशास्त्र और इसी तरीके से अन्य विषयों में भी ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इन सभी बेसिक की पॉइंट्स को आपके ध्यान में रखना होगा। और एक चीज ये ध्यान में मैं बता दूं कि जो चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है, केवल उतना ही आपके जीएस की तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि उससे जुड़ी हुई अन्य चीजों की भी तैयारी महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, इसीलिए ये चीजें बताई जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको इसके माध्यम से एक अप्रोच दिया जा रहा है, आपको स्वयं भी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ जो तरीके बताए जा रहे हैं बीच बीच में उससे आपको एक समझ बढ़ती है। इसीलिए कई बार यहाँ पे टैगलाइन दिया जाता है कि ज्ञान के साथ समझ भी आपकी सफलता के लिए जरूरी है, क्योंकि केवल अगर ज्ञान आपके पास होगा तो वो स्टैटिक हो जाता है। समझदारी एक ऐसा विषय है जो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने में आपको सक्षम बनाता है, इसलिए ज्ञान के साथ समझ आपकी सर्वांगीण विकास और सफलता के लिए आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, मानव दुर्व्यापार, ठेका श्रमिक, बधुआ मजदूरी और समान पारिश्रमिक अधिनियम आर्टिकल 23 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा। आर्टिकल 24 में है, आर्टिकल 24 लिखने के दौरान 14 भी निकल के सामने आ गया, आपने देखा कि लिखते समय 14 आ रहा, ये दोनों जरूरी है, ये दोनों जो है 24 और 14 जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बात कही गई है। तो इसमें तो कंफ्यूजन होना ही चाहिए, और बार बार परीक्षा में सवाल भी पूछा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कहां प्रावधान है, 14 और 10 24 दोनों जुड़े हुए हैं। तो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को किसी भी संकटजन्य स्थिति में खानों में काम करने से या नियोजित करने से मना किया गया है। ये आर्टिकल जो किसमें कहा गया है, 24 के अंतर्गत ये बताया गया है कि बच्चों को इस तरीके से ऐसे स्थान पर नहीं रखा जा सकता जो उनके स्वास्थ्य आयु इत्यादि के लिए नुकसानदेह और खतरनाक हो, और इससे बचने के लिए भी सरकार के द्वारा कई प्रकार के जो है कानून बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग समय पर नियम दिए गए हैं। तो 1986 ईस्वी में बाल श्रम को जो है निषिद्ध घोषित किया गया है। बाल श्रम का मतलब बच्चों के द्वारा किए जाने वाले श्रम को निषिद्ध घोषित किया गया। आज के डेट में आप आसपास ये देखते होंगे कि समय समय पर जो है श्रम प्रवर्तन अधिकारी या श्रम विभाग के द्वारा छापे भी मारे जाते हैं ढाबों पर, होटलों पर, ईंट के भट्ठों पर, कि वहां से एक निश्चित आयु से कम आयु वर्ग के बच्चे काम न करें, क्योंकि वह आयु उनकी जो है पढ़ाई के लिए होता है, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए होता है, और उनसे जो है काम करके धनार्जन करवाना न केवल अभिभावक के लिए बल्कि नियोजित करने वाले व्यक्ति के लिए भी जो है ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे इसीलिए 1986 ईस्वी में से निषिद्ध घोषित कर दिया गया है, और 1986 ईस्वी में बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष, यानी कि अगर कहीं पर बाल श्रम लोग कर रहे हैं तो उनके जो है पुनर्वास के लिए कोष की स्थापना यहाँ पे की गई है। 2005 ईस्वी में केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है, और 2016 ईस्वी में जो यहाँ पर कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी संकटजन्य स्थिति में नियोजित करने से रोकता है, वो 2016 में बताता है कि भैया संकटजन्य स्थिति ही नहीं बल्कि किसी भी काम में उनको जो है नियोजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि अब ये बालक के स्वास्थ्य पर सरकार की ज्यादा से ज्यादा जो है एक उदारवादी नीति है, जिसके माध्यम से घोषित करने का प्रयास करता है
कि अब जो है बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपने देखा कि दो तीन और भी नियम को हम लोगों ने देख लिया। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती है। केवल किसी विषय के उन्हीं बिंदुओं का अध्ययन कर लेने से नहीं, इसीलिए जहाँ भी जरूरत होती है आपको उसके अनुसार नॉलेज उपलब्ध कराया जाता रहता है। तो ये व्यवस्थाएं थी अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, जो कि शोषण से विरुद्ध अधिकार पर बोलता है 23 और 24। अब यहाँ 25 से लेकर के 28 के बीच में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के जो है अंतःकरण की, उसको मानने की, आचरण करने की, प्रचार प्रसार करने की जो है छूट दी गई है। लेकिन इसका कोई भी अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म के विरुद्ध प्रचार प्रसार कीजिए या दूसरे धर्म के लोगों को जो है अपने धर्म में धर्मांतरण कराने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर यह अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करने पर आपको पर्याप्त दंड की भी व्यवस्थाएं की गई हैं और दी जाती हैं। आर्टिकल 25 की ही एक व्याख्या ये है कि यहाँ पे सिख धर्म के लोगों के द्वारा कृपाण को लेकर के चलना भी इनके धर्म की श्रेणी में आता है, और जब हिंदू की बात होगी तो हिंदुओं के अंतर्गत जो है सिख हैं, जैन और बौद्ध के लोगों को भी हिंदू धर्म के ही अंतर्गत माना गया है। ये व्यवस्थाएं आपके आर्टिकल 25 के अंतर्गत दी गई हैं। 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता करता है, यानी कि धर्म से संबंधित किसी भी जो है संघ या संगठन को बनाने की बात कही गई है, उनका जो है प्रबंधन करने की बात कही गई है, किसी धार्मिक कार्य के लिए धन संपत्ति को एकत्रित करने की बात कही गई है और उन धन संपत्ति का नियमानुसार प्रयोग करने की बात कही गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह नियमानुसार शब्द होना चाहिए। तो ये बातें जो है इसमें कही गई हैं कि नियमानुसार जो है ये बात होनी चाहिए। तो ये जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात कही गई है। जहां पर ये व्यक्तिगत धर्म की बात करता है, यहीं पर ये जो है संप्रदाय के धर्म के लिए बात करता है। और किसी संप्रदाय की अगर परिभाषा की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें भी उसमें कहा है कि जो है व्यक्तियों का जो समूह होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, इसके लिए जो है व्यक्तियों का जो समूह होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, उनका कोई ना कोई नाम होना चाहिए। तो इस तरीके से संगठन के लिए भी जो है ये चीजें होनी जो है आवश्यक है। अगले में है 27 में, धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए लगाए जाने वाले किसी भी प्रकार के कर के अदायगी के बारे में व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी। ये नहीं कि कोई फल धर्म के जो है वृद्धि के लिए लगा दिया गया, कर लगा दिया गया और व्यक्ति उसको दे दे, ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति का वहाँ पे ये अंतःकरण का विषय है और व्यक्ति अगर उचित समझता है तो वो देता है, और अगर नहीं देता है तो उस पर किसी तरीके से बाध्यता नहीं लाई जा सकती है। और इसी में ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षण राज्य के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी बात आर्टिकल 27 के अंतर्गत कही गई है। तो ये बात ध्यान में आप लोगों को रखना होगा। यहाँ एक और चीज मैं बता दूं कि लगाए गए कर की बात है, अब धार्मिक शुल्क भी हो सकता है। शुल्क और कर में क्या अंतर है? कर का मतलब उसके बदले कोई सेवा नहीं दिया जाता है। भाई जैसे इनकम टैक्स सरकार ने ले लिया था, आपको कोई चीज देने थोड़ी ना रहा है। लेकिन शुल्क का मतलब है उसके बदले कुछ न कुछ कार्य या सुविधा दी जाएगी। जैसे किसी भी जगह पे आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, अगर वहां पे शुल्क लिया जा रहा है तो उसके बदले आपको कोई सुविधा दिया जा रहा है, तो वो शुल्क के दायरे में आता है। तो धार्मिक शुल्क और धार्मिक कर में अंतर है। यहाँ धार्मिक कर की बात जो है कही गई है, ध्यान रखिएगा। 28 में जो है राज्य के द्वारा पूर्णतया पोषित किसी शिक्षण संस्थान में, राज्य के द्वारा पूर्णतया पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगले उसी में अगले खंड में कहा गया कि लेकिन अगर न्यास के अंतर्गत कोई संचालित है तो उसमें इस तरीके की बातें वो लोग कर सकते हैं। अगले में कहा गया कि अगर कोई मान्यता प्राप्त स्कूल में इस तरीके से किया जा रहा है तो भी वहाँ किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर वो जो है अल्पायु का व्यक्ति है,
और कम उम्र का अवयस्क व्यक्ति है तो उसके गार्जियन का वहाँ जब तक की जो है संरक्षण या अनुमति न मिल जाए, अगर अनुमति नहीं मिलती है तो उसको नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से बात है। धार्मिक क्षेत्र में भी जो है संविधान ने बहुत ही व्यापक अधिकार दे रखे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। तो 28 के अंतर्गत ये बातें कही गई हों, और इसी में भी कहा गया है, जैसे कहा गया कि राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वैसे कहा गया है कि राज्य अगर सहायता किसी को देगा तो उसमें इस आधार पर कोई अंतर नहीं करेगा कि वो किसी विशेष धर्म का कोई कॉलेज है, कोई कुछ संस्थान है, क्योंकि वो भी जो है धार्मिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। तो ये आपने देखा कि जो है 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अभी हम इसी में देखते हैं आगे क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद जो है अगला है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंतर्गत, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो है कहा गया है। 29 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिकों के समूह, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी नागरिकों के समूह या उसके अनुभाग के द्वारा अपनी भाषा लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। भाषा लिपि या संस्कृति, यहाँ सभी नागरिकों की बात कही गई है, और 30 में जो है अल्पसंख्यक की बात कही गई है, यहाँ पे सभी नागरिकों की बात कही गई है। भाषा लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का यहाँ पे अधिकार होगा, ये बात किसमें कही गई, आर्टिकल 29 के अंतर्गत भाषा लिपि या संस्कृति। और आर्टिकल 30 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रबंधन करने का अधिकार होगा। अब यहाँ पे अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक जो धार्मिक और भाषा इन दोनों आधारों पर जो है बताया गया है, धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपने पसंद और रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। जहां पर ये सभी नागरिकों की बात करता है, वहीं पर ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए ही जो है बात करता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आए होंगे कि संस्कृतियों शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 के अंतर्गत दिया गया है। अभी इसके बाद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया, इसमें 1 और इसमें 2 है। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32(1) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वहां पे अनुरोध कर सकता है कि उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से उसको बचाया जाए, और आर्टिकल 32(2) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाएंगे। यहाँ पर 5 प्रकार के रिट जारी किए जाएंगे और इन्हीं रिटों के माध्यम से उस व्यक्ति को संरक्षण दिया जाएगा। और इसमें 5 प्रकार की रिटें जो हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है उपस्थित किया जाए या प्रस्तुत किया जाए। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो वहां पर वह व्यक्ति बंदी बनाने वाले व्यक्ति को रिट जारी करता है कि उन व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, और न्यायालय उसका जो है परीक्षण करता है, यदि नियमानुसार गलत पाता है तो उस व्यक्ति को मुक्त करने के लिए वो आदेश देता है। परमादेश, हम आदेश देते हैं। यदि किसी भी सार्वजनिक अधिकारी के द्वारा कोई अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट वहां उस व्यक्ति के लिए आदेश जारी कर देता है। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के गोदामों में जो सड़ने वाले खाद्यान्न के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह कहा था कि यदि आप जो है खाद्यान्नों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं, तो इन खाद्यान्नों को गरीबों में क्यों ना बांट दिया जाए। भाई सड़ने से तो बढ़िया है कि गरीबों को दे दिया जाए, वो अपना खाएंगे ही उसको। यही एक व्यक्ति तो 50 किलो खाद्यान्न सुरक्षित रख सकता है, सरकार के पास अगर इतनी क्षमता नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्देशित किया। ये किसमें किया, परमादेश में, जिसका तात्पर्य है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब रोकना, यदि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई भी काम कर रहा है, रोकना जिसको कहते हैं, कोई भी काम कर रहा है
तो उस कार्य पर रोक लगा दिया जाए, क्योंकि माना जाएगा जो उसके अधिकार क्षेत्र में उस पर नहीं होना चाहिए, तो यह न्यायिक रिट है। इसी तरीके से उत्प्रेषण, उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण का मतलब सूचना होता है। यदि जो है वही सेम बातें हैं कि यदि अधीनस्थ न्यायालय या नीचे की अदालतें जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी व्यक्ति या कानून या किसी मामले की सुनवाई करते हैं, तो उस पर जो है वो अपने पास जो है मामलों को जो है मंगवा सकता है और उस पर सूचना पर्याप्त रूप से मंगवा सकता है। ये क्या कहलाता है? उत्प्रेषण। एक है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा पूछना होता है, तब हम पूछते हैं, अधिकार परीक्षा उसमें कहा जाता है। तो इसमें जो है यह बताया जाता है अधिकार परीक्षा के अंतर्गत कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को करने लगता है या ऐसे दायित्व का निर्वहन करने लगता है जो वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो वहां पर सरकार कहती है कि बताइए आप किस आधार पर यह कार्य आप कर रहे हैं। तो वो गतिविधि होती है, वो रिट जो है जारी करता है अधिकार परीक्षा। तो इस रूप में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंदी प्रतिक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण एवं अधिकार परीक्षा नामक रिट जारी किया जा सकता है। तो पांच प्रकार की रिटें आर्टिकल 32 में जारी की जा सकती है। अभी यहाँ पे 33 के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के जो है बलों के लिए है कि वहां पे मौलिक अधिकार को अपवाद के साथ लागू किया जा सकता है या वहां पे मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऐसा उसमें अनुशासन एकरूपता और कार्य क्षमता के लिए है, जहां पर सशस्त्र बल लागू हो, अर्धसैनिक बल लागू हो, खुफिया एजेंसी लागू हो, वहां पे है। 34 में कहा गया है जहां पर मार्शल लॉ लागू होंगे, यानी कि किसी क्षेत्र में जब सेना के द्वारा वहां पर सामान्य प्रशासन किया जाता है तो मार्शल लॉ कहलाता है। अब मार्शल लॉ और मिलिट्री लॉ में अंतर भी है, मार्शल लॉ और मिलिट्री लॉ में अंतर है। जब किसी क्षेत्र का शासन सेना के द्वारा किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? मार्शल लॉ। लेकिन मिलिट्री लॉ जो है सैन्य कानून होता है जो केवल सेना से संबंधित होता है, उसका प्रशासन से कोई लेना देना नहीं होता है। और 35 में कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकार के संदर्भ में कानून बना सकती है। तो ये व्यवस्थाएं जो है आपने देखा यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में रही। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जो है माध्यम से 21 का लागू किया गया है, जिसमें शिक्षा के अधिकार को बताया गया है। 45 का लागू किया बनाया गया है, इसमें जो है राज्य के लिए बनाया गया है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और भाग 4 का में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है कि संरक्षक अपने पाल्यों के लिए शिक्षा को, शिक्षा देने के लिए जो है प्रोत्साहित करेंगे, या उनको जो है 11 के अंतर्गत जो है संरक्षकों का एक कर्तव्य होगा कि उस शिक्षा के लिए जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजें या उसमें सहयोग करें। इस तरीके से 86वें के माध्यम से इतनी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जहां से सवाल आपके परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। अंत में एक और सवाल आता है, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकार जहां भाग जो है 3 में है, वही मौलिक कर्तव्य भाग 4 में, मौलिक अधिकार 3 में और नीति निर्देशक तत्व 4 में है। मौलिक अधिकार स्वतः लागू हो जाते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम मौलिक अधिकार के इस बचे हुए भाग पर जो है चर्चा कर लिए। मौलिक अधिकार के बारे में जो है हम लोगों ने एक व्यापक रूप में जो है सभी पक्षों को जो है सम्मिलित करने का प्रयास किया। इससे सवाल आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इतना जो है अध्ययन करने के बाद आप 2 बार कम से कम इसे जो है जरूर देखने का प्रयास कीजिए, ताकि जो भी स्थिति हो, जो अस्पष्टता हो, वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। और उसके बाद आप किताबों का भी अध्ययन करेंगे तो आपको 100% चीजें जो समझ में आएंगी, इस पर आधारित आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इस मौलिक अधिकार के टॉपिक पर जो है रखा और पूरी तरीके से इसको जो समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।